हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड बताता है रेशियो इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस टू इंपोर्ट प्राइसेस। इट इज द रेट एट विच कंट्रीज एक्सपोर्ट्स आर एक्सचेंज फॉर इंपोर्ट्स। टर्म्स ऑफ ट्रेड को डिटरमाइन किया जाता है बाय रेसिप्रोकल डिमांड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट आते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड के, जिनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ए बी सी। ए कैटेगरी में हमने लिया है उन टर्म्स ऑफ ट्रेड को जो कि बेस्ड है एक्सचेंज बिटवीन द कमोडिटीज, और इनको तीन सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एक्सचेंज के ऊपर जो बेस्ड है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। सेकेंड बी कैटेगरी में जो है वो बेस्ड है फैक्टर प्रोडक्टिविटी के ऊपर, जिसमें सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड और डबल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड को लिया जाता है। थर्ड कैटेगरी सी में टर्म्स ऑफ ट्रेड बेस्ड ऑन यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको हम दो कैटेगरीज में सब डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड और सेकेंड है यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब सबसे पहले आता हमारे पास नेट बार्टर और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेट बार्टर और कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो कंसेप्ट है वो दिया गया था फ्रैंक विलियम टॉसिंग। कौन सा कंसेप्ट? नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। और इसको किस नाम से जाना जाता है? कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है, जिसको दिया गया था जैकब विनर के द्वारा। और ये बताता है रेशियो बिटवीन इंपोर्ट प्राइसेस एंड एक्सपोर्ट प्राइसेस, और किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, टी सी इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी एम इंटू 100, जहां पे TC नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को बता रहा है PX प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी एंड PM बता रहा है प्राइस ऑफ इंपोर्ट कमोडिटी। अब हम देखेंगे कि जब नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम कैलकुलेट करते हैं और जो कमोडिटीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जा रही है वो एक से ज्यादा है, तो वहां पे हम सिंगल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्राइसेस को ना लेके इंडेक्स लेते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्राइसेस का। तो यहां पे देखिए, व्हेन दिस कंसेप्ट ऑफ नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड इज अप्लाइड टू मोर देन वन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कमोडिटी, वी यूज द एक्सपोर्ट प्राइस एंड इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्राइसेस ऑफ पर्टिकुलर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे पर्टिकुलर प्राइसेस को ना लेके हम किसको यूज करते हैं, इंडेक्स को यूज करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के प्राइसेस के। अब इसको किस तरह से लिखा जाएगा, टी सी इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी एक्स जीरो और डिवाइडेड बाय पी एम वन अपॉन पी एम जीरो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी एक्स अपॉन पी एम वन इंटू पी एम जीरो अपॉन पी एक्स जीरो। TC यहाँ पे नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को बता रहा है PX1 प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट फॉर एनी गिवन ईयर, और जो PM1 है वो इंपोर्ट के प्राइस को बता रहा है, PX0 प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट फॉर बेस ईयर और PM0 प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट फॉर द बेस ईयर को बता रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो कंसेप्ट है वो भी विलियम टॉसिंग के द्वारा ही दिया गया था। ये रेशियो है जहां पे फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट को देखा जाता है, मतलब किसके बीच की रेशियो है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट टू फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। जितनी ये रेशियो ज्यादा होगी उतना ही ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल होगा। ये जो कंसेप्ट दिया गया था टॉसिंग के द्वारा, ये करेक्ट करने के लिए दिया गया था नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। टू करेक्ट द नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस अनरिक्विटेड एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स, मतलब जो वन साइडेड ट्रांजेक्शंस होती है उनको करेक्ट करने के लिए जो ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट यूज किया गया था। और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, टी जी इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन क्यू एक्स, जहां क्यू एम टोटल क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट को बताता है और क्यू एक्स टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट को बताता है। अब अगर ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को दो टाइम पीरियड के बीच में कंपेयर करना है तो हम वी यूज द इंडेक्स नंबर ऑफ
द क्वांटिटीज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन द टू टाइम पीरियड्स इंस्टेड ऑफ द क्वांटिटीज अलोन। और इसको कैसे लिखेंगे हम, QM1 अपॉन QX1 इंटू QX0 अपॉन QM0। नेक्स्ट आता है इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो कंसेप्ट है वो डॉरेंस एंड स्टेल के द्वारा दिया गया था, और उन्होंने ये कंसेप्ट जो है कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को रिफाइन करके दिया था। द इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है रेशियो है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय द प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट्स। इसको एक्सपोर्ट गेन फ्रॉम ट्रेड भी कहा जाता है। इफ द एक्सपोर्ट प्राइसेस राइज, अगर एक्सपोर्ट के प्राइस राइज होते हैं एंड द वॉल्यूम ऑफ कंट्रीज एक्सपोर्ट फॉल इक्वली, द नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड विल इंप्रूव व्हाइल द इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड विल शो नो चेंज। और इसको किस तरह से लिखेंगे, TI इज इक्वल टू PX इंटू QX अपॉन PM, जहां TI किसको बता रहा है, इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड को बता रहा है, PX प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट को, PM इसको बता रहा है प्राइस ऑफ इंपोर्ट को, और QX क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट को बता रहा है। नेक्स्ट आता है यूनिलेटरल और सिंगल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड। सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो कंसेप्ट है वो जैकोब विनर के द्वारा दिया गया था। इसको कैलकुलेट करने के लिए नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को मल्टीप्लाई किया जाता है विद द प्रोडक्टिविटी ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड के बीच में, क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इफ देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड देन कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि सिंगल फैक्टर और फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड में इंप्रूवमेंट होगी तो नेगेटिव रिलेशनशिप होने की वजह से जो कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल इफेक्ट दिखाएगा। इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, TS इज इक्वल टू PX अपॉन PM इंटू ZX। TS सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को बता रहा है, PX अपॉन PM नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को बता रहा है, और ZX इंडेक्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन एक्सपोर्ट को बता रहा है। अब नेक्स्ट आता है बायलेटरल और डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। डबल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड का जो कंसेप्ट है वो भी जैकोब विनर के द्वारा ही दिया गया था, और बायलेटरल टर्म्स ऑफ ट्रेड में दोनों फैक्टर्स की प्रोडक्टिविटी को देखा जाता है, चाहे वो इंपोर्ट के लिए यूज किया गया हो फैक्टर, चाहे वो एक्सपोर्ट के लिए यूज किया गया हो फैक्टर। द कंसेप्ट ऑफ डबल टर्म फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, TD इज इक्वल टू PX अपॉन PM इंटू ZX अपॉन ZM, जहां TD किसको बता रहा है, डबल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड को, ZM इंडेक्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन इंपोर्ट, ZX इंडेक्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्टिविटी इन एक्सपोर्ट, PX प्राइस इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट, और PM प्राइस इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट को बता रहा है। अब नेक्स्ट आता है रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये भी कंसेप्ट जो है जैकोब विनर के द्वारा दिया गया था, और रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड को अगर कैलकुलेट करना हो तो सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम किससे डिनोट कर रहे थे, TS से, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, अमाउंट ऑफ डिसयूटिलिटी। अब अमाउंट ऑफ डिसयूटिलिटी का मतलब जो भी पेन सेक्रीफाइस होगा पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एम्प्लॉयड इन द प्रोड्यूसिंग द एक्सपोर्ट। ये जो रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये मेजर करता है कंट्रीज गेन और लॉस फ्रॉम ट्रेड। द रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, TR इज इक्वल टू TS इंटू RX। TS क्या है, सिंगल टर्म्स ऑफ ट्रेड, इंटू RX क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ डिसयूटिलिटी। और यहाँ पे सिंगल टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम कैसे कैलकुलेट करते थे, PX अपॉन PM इंटू ZX, ये तो हो गया सिंगल टर्म्स ऑफ ट्रेड का, और इंटू RX क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया अमाउंट ऑफ डिसयूटिलिटी। तो हमारे पास इस तरह से हम रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट आता है यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसको कैलकुलेट करने के लिए रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड को मल्टीप्लाई किया जाता है विद द इंडेक्स ऑफ द
रिलेटिव डिजायरेबिलिटी और यूटिलिटी ऑफ इंपोर्ट्स। अब किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को, TU इज इक्वल टू TR। TR क्या था हमारे पास, TR था हमारे पास रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, UM। UM हमारे पास क्या है, यहां पे देखिए हमारे पास UM हो जाएगा काली काली वे साड़े काले काले नू। आपकी वीडियो चल रही है वैसे, आपको जानकारी के लिए बता दूं, तो वो जरा फिर अब नेक्स्ट आता है यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड। यूटिलिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड को विद द इंडेक्स ऑफ द रिलेटिव डिजायरेबिलिटी। अब हमारे पास रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड जो था, रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, इंडेक्स ऑफ द रिलेटिव डिजायरेबिलिटी, जिसको UM से डिनोट किया जाएगा। और TR क्या है, TR है रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड। रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड को हमने पीछे कैलकुलेट किया था PX अपॉन PM इंटू ZX इंटू RX इंटू UX, इस तरह से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।